कबायली सियासी अमाई दी जेगा की शुरुआत सबसे पहले तो मैं सरावन हाउस का बहुत मशहूर हूँ, शुक्र गुजार हूँ। वो जब भी हमें मसाइल पेश आते हैं तो यहाँ अक्सर जगह मुनक्किद करते हैं। ये हकीकत है, इस वक्त तारीख की बात नहीं है, नवाब साहब का बहुत मुस्बत रोल है, ये हकीकत है। उनके बलूचिस्तान के बारे में उनका बहुत ही मुस्बत रोल है और हमें तवक्कु भी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे कबायली अमादी है सबको उसकी तकलीफ करनी चाहिए। तो ये देखो ना, हिम्मत से बात बनेगी, बहादुरी से बात बनेगी। ये कब्जा की ये पॉलिसी आप नहीं हटा सकते बाबा, ये 74 साल से ये सिलसिला चला रहा है। ये वो कहते हैं ये बात समझने को तैयार नहीं है सर, ये ताकत के नशे में घूम रहे घुमन में है। और ये मैं आपको बताऊं, इन्होंने 1970 के वाक्य से, लेकिन 1970 का जो फैसले हुए थे सियासी ताकत के जरिए, जब बंगाल भी हमारे साथ था, बंगाली भी हमारे साथ था, मन मैं मन वोट और यहाँ वन वोट का खात्मा, ये अभी तक इनको हजम नहीं हुआ। ये अभी तक आप हम तो इनको कभी द्रविड़ को सूबा बनाते हैं, कभी सिंध को जो है वो बाजिस्तान बनाते हैं, कभी अकबर सिंह कहते हैं, अभी साउथ पाकिस्तान का चक्कर है भाई। ऐसा नहीं, ये खैरात की जमीन नहीं है बाबा, ये सदियों से आबाद कौमे है, बलोच सिंधी पख्तू जिला की, ये अपना उनका सरजमीन है। हमें हिम्मत करने के बाजी का मुजाहरा करने चाहिए और इनकी तमाम साजियों का ट्रैक्टर मुकाबला करना चाहिए। भाई मौत बरके कौन जिंदा रहता है, हर एक ने जाने है, कोई आगे कोई पीछे। अगर हम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 17 दिसंबर 2005 से आप देखिए कितने हमारे लोग शहीद हुए, अब तक ताकत निर्माण हुए, क्या ताकत के जरिए सियासी बच्चे हल हो सकते, मजाक बनाए हुए हैं भाई। हमारे देखिए सारा जो है डीएच है, फिलहाल है टी है, कंट्रोल में थे फिलहाल है, सारा ग्वादर सारा जो है वो कराची कब्जा की गई पॉलिसी है। लेकिन माजीदी ने भी ये कब्जा की गई पॉलिसी है, नाकाम हूँ पक्षिया के नाम में नाकाम हूँ। और अमिता कच्छ नेशनल ओमी पार्टी को ये कर भी जाता है भाई, अबर बाप ज्यादा की सरजमीन है, इसकी जवाब और अफर जाए, इसके लिए आपको मरना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए, पार्टी को मुजाहरा करना चाहिए। हम उनके गुलाम नहीं है, ये जबरदस्त में आता हुआ बनाया हुआ है और हम सबको मुद्दे करूँ से, और सबसे पहला पर कौन पर सियासी जमातों को उनको मुतैद होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए और कबाड़ी जमाती उनको भी भरपूर से खा देना चाहिए। अगर आप अपने सरजमीन दफा नहीं करेंगे, ये जो आज आपको थोड़ी बहुत इज्जत है असम्बली है, ये सिर्फ बलुस्तान की वजह से, अपने सरजमी का कदर करो, इसके लिए जियो, इसके लिए कुर्बानी, इसका साथ दो भरपूर साथ। बहुत मेहनत।